टेंस, टेंस का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है समय या काल हिंदी में। आज हम अंग्रेजी में टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस बेसिकली हम कह सकते हैं कि जिससे हमारा समय का बोध होता है उसे हम काल या समय कहते हैं। और अब हम आते हैं इसके टाइप यानी प्रकार के बारे में। टेंस जो होता है हमारा तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। प्रेजेंट हिंदी में हमारा होता है वर्तमान, पास्ट भूत या फिर बीता हुआ समय भी हम कहते हैं। और फ्यूचर भविष्य, इसका अर्थ हम सभी को पता होता है फिर भी मैं जस्ट बता रही हूँ छोटे में। वर्तमान यानी जो समय हमारा चल रहा है, पास्ट भूत यानी बीता हुआ समय यानी जो बीत गया है, जो हमारे बीते हुए समय में हम कर चुके हैं वो हमारा भूतकाल में आता है। फ्यूचर भविष्य यानी जो हमारा आने वाला है। और ये हो गए हमारे टेंस के तीनों प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आते हैं हम इनके प्रकार। प्रेजेंट का प्रकार ये हमारा होता है चार प्रकार का, पास्ट भी होता है चार प्रकार का, फ्यूचर भी होता है हमारा चार प्रकार का। अगर आप एक का प्रकार याद कर ले रहे हैं नाम, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक साथ हम बताते हैं, जो प्रेजेंट हमारा टेंस होता है वो चार प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा उसका टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने एक साथ नहीं दिखाया, मेरे पास स्पेस की कमी थी इस वजह से, ठीक है। तो आपको बस ये याद करना है ये चारों का नाम, बाकी सब में वही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का पहला क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस तरह से फ्यूचर में भी होता जाएगा। तो ये चारों आपको याद है तो आपको 12 जो टेंस हैं हमारे उसके नाम याद हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको चार याद करने हैं, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और लास्ट वाला जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इन दोनों को मिक्स करके बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, पास्ट में भी सेम रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट के भी चार प्रकार हमारे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह हमारा फ्यूचर में भी चलेगा, के हमारे जो प्रकार थे वो सामने हैं आप सबके। टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके भी तीन चार चार प्रकार हैं। प्रेजेंट के भी चार हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट के भी चार प्रकार हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी चार प्रकार, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसके प्रकार हो गए। और अब एक जस्ट अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो जस्ट लोकल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आप ऐसे कहावत के रूप में समझ सकते हैं कि एक बेटा था, एक पिता था जिसका नाम टेंस था, उसके तीन बेटे थे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और उन तीनों के चार चार बेटे हुए और जिनके नाम थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट ने भी अपने बेटे का नाम रखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर ने भी अपने बेटे चारों बेटों का नाम रखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज का सेशन समाप्त होता है और अगले सेशन में हम अब इसके प्रकार के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके चारों पार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।